नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। मवाना रोड स्थित अमहेड़ा गांव में दो सगे भाइयों की शराब पीने से मौत हो गई है। इसका पता चलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है और ग्रामीणों ने और परिजनों ने दोनों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। आपको बता दें कि मृतक 40 वर्षीय वीरपाल इंचोली थाना क्षेत्र के बहचोला एक फैक्ट्री में काम करता है, तो वहीं दूसरा भाई मृतक 22 वर्षीय विकास एक मेडिकल स्टोर पर काम करता है। जी हां, आपको बता दें कि गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा गांव में वीरपाल पत्नी आरती के साथ रहते थे। घर में छोटा भाई विकास भी रहता था। विकास की शादी 5 महीने पहले जागृति विहार निवासी कामिनी से हुई थी। विवाद के चलते कामिनी मायके में रह रही है। परिजनों ने बताया है कि शनिवार रात दोनों भाई घर के बराबर ठेके से शराब लेकर आए थे। सुबह मां कश्मीरी देवी ने दोनों को एक ही कमरे में मृत देखा तो उनकी चीख पुकार की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। सूचना पर पहुंचे एसपी देहात केशव कुमार ने परिवार के लोगों से पूछताछ की। परिजनों ने शराब पीने से मौत होना बता रहे हैं। एसपी देहात का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कमरे से मिली शराब की बोतल को जांच के लिए भेजा जा रहा है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं जिला आबकारी अधिकारी आलोक कुमार का कहना है कि सेक्टर 4 निरीक्षक प्रणव कुमार पांडे को मौके पर भेजा गया है। शराब कहां से खरीदी गई है इसकी जांच कराई जा रही है। निकल के सामने थाना क्षेत्र गंगानगर में दो व्यक्तियों का जो शव है वो घर में मिला है और दोनों के शव को पीएम हेतु मोर्चे दिखाया जा चुका है। एक व्यक्ति का नाम वीरपाल है जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है, दूसरे की उम्र विकास है और दोनों की पारिवारिक पृष्ठभूमि इस तरीके की है कि जो वीरपाल हैं उनकी पत्नी जो है ये भी लगभग 8-10 साल से साथ में नहीं रह रही और जो विकास है उसकी भी अप्रैल में शादी हुई थी परंतु पत्नी से विवाद के चलते ये भी अभी पत्नी साथ में नहीं रह रहे हैं। तो पीएम के बाद जो मृत्यु का कारण है वो पोस्टमार्टम में स्पष्ट हो जाएगा कि किस कारण से मृत्यु हुई है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की। सर, कोई चोटें वगैरह शरीर पर पड़ी? देखिए, वो पोस्टमार्टम में पता चल जाएगा कि किस तरह की कोई चोट है या नहीं है। तो पीएम रिपोर्ट के बाद जो भी विधिक कार्रवाई होगी। परिजन ये कह रहे हैं सर कि शराब वराब पी है कुछ ऐसा है? देखिए, ये अभी वेरीफाइड नहीं है कि पी है नहीं पी है, क्योंकि जो परिजन से जो भी बात हुई है जो मृतक के भाई हैं उनका ये कहना है कि वेरीफाइड तौर पे रात में कोरमा और रोटी इन्होंने खाई थी, इसके अलावा कुछ भी मतलब 100% वेरिफिकेशन के साथ निकाला जा सकता है।